हेलो स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एल एंड कीटोन्स कार्बोनाइल कंपाउंड इस चैप्टर में मैं आप लोगों को फॉर्मेशन के रिएक्शन इससे जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुका हूं हम लोग केमिकल रिएक्शंस भी स्टार्ट कर चुके थे पिछले वीडियो लेक्चर में जिसमें मैं आप लोगों को एल के रिडक्शन एल डी हाइड कीटोन के रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस फर्स्ट पॉइंट लिया था हालांकि वो मैंने पढ़ाया नहीं क्योंकि वो Uh, काफ़ी पहले रिडक्शन ऑक्सीडेशन के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ बी सेक्शन में रिएक्शन से स्टार्ट uh, की थी मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिनमें भी काफ़ी कुछ मैकेनिज्म हम लोग ओ आर एम वन में पढ़ चुके हैं बस कुछ एक स्पेसिफिक रिएक्शन पड़ी थी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल की अब सी पॉइंट पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर की जान है इसकी इस चैप्टर की भी बैकबोन है रिएक्शन का नेम है रिएक्शन इन्वॉल्विंग इनोलेट आयन और रिएक्शंस ऑफ एल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है एलडॉल रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन आप लिख लीजिए सी वन डाल दीजिए हेडिंग एल्डॉल रिएक्शन एलडॉल कंडेंसेशन एलडॉल कंडेंसेशन रिएक्शन रिएक्शन है एल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की है ना लिख लीजिए रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एल्फा एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड ध्यान रखना ये एसिडिक हाइड्रोजन sp3 थ्री कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए है ना एल्फा एसिडिक वो भी एस थ्री कार्बन का होना चाहिए यहां कर देता हूं ब्रैकेट में एस sp3 थ्री एस थ्री कार्बन का हाइड्रोजन होना चाहिए कंटेनिंग कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रजेंस ऑफ बेस इन प्रजेंस ऑफ डायल्यूट बेस समटाइम एसिड एसिड भी हो सकता है कॉन्सनट्रेटेड एसिड के प्रजेंस में ज़्यादातर तो डायलूट बेस का मिलेगा यूज़ आपको है ना एन ए ओ एच का यूज मिलेगा डायल्यूटेड इस तरीके से रिएक्शन मिलेगी रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कार्बोनाइल कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड फॉर्म गिव बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड ये बनता है जो कि आगे और कन्वर्ट होता है एंड देन एंड देन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड ठीक है लिखो पहले से फिर डेफिनेशन तो बता ही दी मैंने अब तुम्हें तो बता देता हूँ किस तरीके से रिएक्शन होती है कंप्लीट करो इसे देखो रिएक्शन एग्जांपल नंबर वन है मैकेनिज बाद में देखना पहले समझ लो ये है कोई कार्बोनाइल कंपाउंड इस कार्बोनाइल कंपाउंड की जो एल्फा पोजीशन है वह एस थ्री है और जगह एच होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए मैंने यहाँ दो मॉलिक्यूल्स ले लिए दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन आई दोनों सेम ही लिए हैं अभी तो इसकी रिएक्शन डाइल्यूट एन से कर दी है ना कई बार एन लिखा हुआ मिल सकता है कई बार सोडियम कार्बोनेट का एक्वा सोल्यूशन लिखा हुआ मिलता है कुल मिला के होगा बेस ज़्यादातर केस में बेस होगा एसिडिक मीडियम तो एक दो रिएक्शन है वो बता दूँगा मैं वरना तो ज़्यादातर केस में तो बेसिक मीडियम आपको मिलेगा और प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरह का सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू सी एच ओ ये दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो गए कंबाइन होने से इस एल्डियाइड की अल्फा पोजिशन ये बीटा पोजिशन या गामा पोजिशन तो ये क्या बना बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बना ठीक है जिसे एल्डोल शॉर्ट में बोल देते हैं एल्डोल ये एक एल्डॉल है एल एल्ड, एल डी से मतलब हो गया एल और ओ एच भी है तो ऑल बोल दिया ऐसे कीटोन होता तो कीटोल बोल देते बट एल्डॉल रिएक्शन ही बोला जाता है रिएक्शन का नेम एल्डॉल ही बोला जाएगा इस कंपाउंड को अगर और हीट किया जाए तो बेसिक मीडियम तो है ही यहाँ तो ईवन सी रिएक्शन के थ्रू यहाँ से अल्फा पोजीशन का एच जो कि एसिडिक एच है ये एच और ये ओ OH एच निकल जाते हैं एच टू का मॉलिक्यूल निकल जाता है ये माइनस एम है इसके माइनस एम के पास वाला एच एसिडिक होता है यहाँ से हीट करने पर यहाँ का ओ OH एच और यहाँ का एच प्लस निकलेगा एच टू का मॉलिक्यूल निकलता है डिहाइड्रेशन होता है और अनसेचूरेटेड कंपाउंड बनता है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ मैंने क्या बोला था कार्बोनाइल कंपाउंड की अल्फा पोजीशन एंड बीटा पोजीशन पर अनसेचुरेशन है तो कंपाउंड का नेम हो गया अल्फा बीटा अनसेड अनसेड कार्बोनाइल कंपाउंड बना ठीक है अल्फा बीटा अनसेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बना इस कंपाउंड को क्रोटोनिक एसिड कहते हैं इस प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट का नेम है क्रोटोन क्रोटोन एल एक और नेम है जो कॉमन नेम है क्रोटोन एल डी हेड डी हाइड क्योंकि इसमें जो डबल बॉन्ड बना है वो सिस और ट्रांस दोनों तरह की जो मेट्रिकल आइसोमेरिज शो कर सकता है तो दोनों फॉर्म बनेंगे सिस एंड ट्रांस दोनों बनेंगे ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए ज्यादा अमाउंट बनेगा सिस कम स्टेबल होता है तो कम अमाउंट बनेगा बनेंगे दोनों ये रिएक्शन लिखो पहले तो फिर इसको समराइज करूँगा और वैसे भी बहुत सिंपल रिएक्शन है देखो हुआ क्या ये अल्फा पोजीशन का एच था ना ये अल्फा वाले कार्बन इस एल्फा वाले कार्बन का बॉन्ड इस कार्बन से बन गया और यहाँ का एक एच उठाकर यहाँ लगा दिया यही तो हुआ है ये बनाओ पहले फिर मैकेनिज्म बताता हूँ बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है इसकी इस सेक्शन इस सी में जितनी भी मैकेनिज्म आएगी काफी कुछ इसी मैकेनिज्म इसी तरह की होंगी कि एच निकलेगा नेगेटिव चार्ज बनेगा नेगेटिव चार्ज की रिएक्शन होगी या तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी या एस एन टू टी एच रिएक्शन होगी बनाओ इसे <coughs> बना दो फटाफट मैं मिटा रहा हूं इसे लिख लिया होगा मैकेनिज्म लिया होगा बढ़िया मैटेगा हम्म सुनो। मैकेनिज्म पहला ले लेता हूं इन बेसिक मीडियम यही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन बेसिक मीडियम देखो बेसिक मीडियम में ये कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड लिया अभी तो वही ले लेता हूँ एसिड एल ये रहा कार्बोनाइल कंपाउंड आपने बेस डाल दिया बेस क्या करेगा इस अल्फा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होता है यहाँ का हाइड्रोजन एसिडिक है थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा तो नहीं है थोड़ा बहुत एसिडिक है क्यों माइनस एम के पास वाली पोजीशन के एच थोड़े एसिडिक होते हैं क्योंकि एच प्लस निकलने के बाद एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं तो इस ओ एच माइनस ने यहाँ से एच प्लस निकाला एच टू के फॉर्म में निकला और यहाँ से जब एच प्लस निकला तो ये नेगेटिव चार्ज बना ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है इसीलिए तो बन गया ठीक है ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सी एच टू डबल बॉन्ड ओ माइनस इसे ही तो मैं इनोलेट आयन कह रहा हूँ ये टॉपिक यही तो है इनोलेट आयन हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसा बना देते हैं इसका ये इनोलेट का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ऐसा पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां भी और यहां भी ठीक है इनोलेट आयन बना इस इनोलेट आयन में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे भी है कार्बन पे भी है तो ये एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल हो गया अब कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज की तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज मीन्स न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एल डी हाइडन दूसरे मालिक्यूल पर क्योंकि यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल आकर इस कार्बन पर अटैक करता है जैसे ओ माइनस में आता है ये ए एन रिएक्शन हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया याद करो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में भी तो ये था न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ता था वो माइनस बनता था, बन था। वही एडिशन है ये स्टेप इसका आर डी एस है आर डी एस जिसमें न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ता है वो स्टेप स्लो स्टेप होता है तो यहां न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन से बॉन्ड बनाया क्या बनना चाहिए सी एच थ्री सी एच ये वाला ओ माइनस बना और इस कार्बन का बॉन्ड इस सी एच टू से जुड़ गया और डबल बॉन्ड ओ और एच ये बना ठीक है नेक्स्ट स्टेप में वाटर से एच ले लिया इसने ये रिवर्सिबल है वैसे रिएक्शन वाटर से एच प्लस एब्जॉर्व कर लिया ओएच एच माइनस निकल गया सी एच थ्री सी एच ओ एच और सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच इस तरह से ये रिएक्शन होती है जिसे कहा जाता है एल्डोल कंडेंसेशन ये रिवर्सिबल है अगर कीटोन का अगर कीटोन की एल्डोल रिएक्शन होती है और बेस के में बहुत ज़्यादा हीट किया जाए तो वो जो कीटल कीटॉल बनता है वो वापस इस कंपाउंड में मतलब कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम लोग रिट्रो एल्डोल रिएक्शन कहते हैं बट तो उसका यूज़ बहुत कम किया जाता है कम ही पूछी जाती है वो रिएक्शन ये तो फॉरवर्ड की रिएक्शन याद करो आप तो है ना ओवरऑल हुआ क्या कि अल्फा पोजीशन का एच निकला और वो एच निकलने के बाद में इस कार्बन से वापस डबल बॉन्ड में आ लेता मतलब अभी देखना और रिएक्शन और हीट कर दोगे तो यहां से एच और ओ एच निकल जाएगा ये बेसिक मीडियम की रिएक्शन थी एसिडिक मीडियम की रिएक्शन यहां लेता हूं बी <coughs> है इन एसिडिक मीडियम मैं फिर बोलता हूं इंपॉर्टेंट तो वही बेसिक मीडियम वाली रिएक्शन है है रिएक्शन टाइप की वही टोमेरिज की तरह इनोलेटन बनता है ये देखो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच आपने डाला है बेस नहीं एसिड डाला है इस बार तो एसिड ने इस ओ माइनस से रिएक्शन किया सी एच थ्री ओ एच बना ये बना इसमें टाटोमेरिज होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी और ये बन गया ओ एच और यहाँ एच प्लस आया ठीक है क्या होगा यहाँ से ये निकल गया निकल गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बना इनॉल बना एच प्लस यहाँ से निकला इनॉल बना इनोलेट नहीं बना इनॉल बना अब इस इनॉल में रेजोनेंस हो सकता है रेजोनेंस के कारण इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज ही तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा यहाँ तो इस तरह से बना ये ओ एच OH+. प्लस ठीक है ये अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा ये रहा वो दूसरा मॉलिक्यूल सी एच डबल बॉन्ड ओ यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव इस न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ बॉन्ड बनाया और ओ माइनस बनाया क्या बना सी एच थ्री सी एच ओ माइनस ये वाला और इस कार्बन का बॉन्ड इस कार्बन से हो गया सी एच टू रहेगा यहाँ पर तो ये रहा सी एच टू फिर कार्बन डबल बॉन्ड ओ एच यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ से एच प्लस निकला कीटोन बना एल डी एड बना और एच प्लस निकल के यहाँ पहुँच गया इसको मैं इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफ़र कह सकता हूँ है ना तो प्रोटोन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया एल्डोल बन गया ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी सी एच ओ एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ और एच ये दो रिएक्शंस हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में बेसिक मीडियम की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसिडिक मीडियम में भी होती है रिएक्शन कंप्लीट करो <coughs> बनाओ जल्दी से फिर एग्जाम्पल्स लूँगा बहुत सारे <coughs> ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के एग्जाम्पल मैं बहुत सारे लूंगा आपको आने चाहिए करने ही चाहिए <coughs> करें आगे अब लो एग्जाम्पल्स इसके एग्जाम्पल्स ज्यादा कराऊंगा आने वाली और रिएक्शंस के एग्जाम्पल कम कराऊंगा इनमें एग्जाम्पल्स ज्यादा होने चाहिए हमें शॉर्ट ट्रिक भी आनी चाहिए इनके बनाने की ये लीजिए एग्जांपल एग्जांपल नंबर टू इसकी रिएक्शन एक कार्बन बढ़ा दिया बस मैंने इससे कराओ इसके दो मॉलिक्यूल लिए हैं बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराओ <coughs> यहाँ लिख के देना ज़रूरी नहीं है कि दो मॉलिक्यूल हैं ही आपको खुद को करना पड़ेगा हो और नेक्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बना ना उसको हीट भी किया है हीट करने से डिहाइड्रेशन हुआ क्या प्रोडक्ट बना हीट ना किया हो तो एल्डोल बना के छोड़ दो हीट किया हुआ है तो फिर एच टू भी निकाल के डबल वन बनाओ उसके बीच में एग्जाम्पल <coughs> नंबर थर्ड इस कंपाउंड की रिएक्शन करा दो बेसिक मीडियम में हीट करो फिर नेक्स्ट स्टेप में बना दो फटाफट एग्जाम्पल नंबर फोर्थ यहाँ डबल बॉन्ड ये कौन है एसिटोफिन इसमें हीट किया ये लो और हीट भी किया एग्जाम्पल नंबर फाइव ये साइक्लोहैगे है इस बार साइकिले कीटोन लिया यहाँ बेस डाल दिया और हीट भी इस बार तो यहीं कर दिया बनाओ क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं <coughs> करूँ मैं जल्दी से कर लो वीडियो पॉज वॉज़ करो तो कर लो जल्दी से सॉल्व करो अब मैं करता हूँ उसे देखो जो मैंने तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताई है उसको उसे सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड ओ है ना और सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड ओ देखो वही दो मॉलिक्यूल बनाए ये वाला कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल बना दिए एल्फा पोजीशन पहचानो ये रही ना एल्फा पोजीशन एल्फा पोजीशन का एच निकलेगा और माइनस बनेगा और ये माइनस क्या करेगा यहाँ ये माइनस जो है इस कार्बन प्लस से बॉन्ड में आ लेगा तो कुल मिला के यहाँ से H+ प्लस निकला यहाँ बॉन्ड बना और O- माइनस यहाँ पर पे आ गया H+। प्लस यहाँ का H यहाँ आ गया ऐसा मान लो हीट किया हुआ है तो यहाँ से H और OH और निकाल देना तो यहाँ से H और ओ निकल गया <coughs> तो उसका भी शॉर्ट ट्रिक सुन लो अल्फा पोजीशन पे दो H होने चाहिए तभी एल्डोल कंडेंसेशन होगा भाई यहाँ से एक और एच भी तो निकला है एच और एच तो अल्फा पोजीशन पे दो एच होने चाहिए तभी एल्डोल कंडेंसेशन हो पाएगा वरना एल्डोल तक ही रिएक्शन रुक जाएगी फिर यहाँ से एच टू का मॉलिक्यूल निकाल दो शॉर्ट ट्रिक ट्रेकिंग है एल्फा पोजिशन के दोनों एच निकाल दो ऑक्सीजन निकाल दो डबल बॉन्ड बन जाएगा इसकार्बन और स्कार्बन इस के बीच में तो ये शॉर्ट तरीका है जिससे आप एल्डोल कंडेंसेशन का वो अन प्रोडक्ट बना सकते हो ऐसे यहाँ बस मैंने चेंज किया मिथाइल की जगह पी यूज़ किया प्रैक्टिस करो जल्दी से तो यहाँ डबल बॉन्ड सी एच यहाँ ओ एच सी एच पी एच सी एच ओ ये बनेगा अच्छा इससे पहले वाला जो एग्ज़ाम्पल नंबर वन था ना उसमें एल्डोल में एक कायरल कार्बन था एक कायरल कार्बन था तो डेक्सोरेटरी और लिबोरेटरी दोनों बनेगी एग्ज़ाम्पल नंबर वन में जहाँ मैंने एलडॉल लिखा था उसके जस्ट नीचे आप प्लस माइनस दोनों लिख लो अब यहाँ भी तो दो कायरल काबन है तो दो कायरल काबन है तो कितने बनेंगे फोर प्रोडक्ट्स बनेंगे यहाँ फोर प्रोडक्ट्स बनेंगे हीट करने के बाद डबल वॉन्ड बनेगा तो वो सिस्ट्रांस के दो प्रोडक्ट बन जाएंगे <क्ष़िग> यहाँ भी वही फोर प्रोडक्ट होंगे हीट करने पर ओ एच एच निकलेगा तो डबल वॉन्ड बन जाएगा सिस्ट्रांस जो भी बनना चाहे जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो बनना चाहिए ये कंपाउंड बना इस केस में इसमें क्या होगा एल्फा एच ये रहा ठीक है ये लीजिए सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ पी एच वही कंपाउंड है यहां से एल्फा एच निकला सी माइनस बना सी माइनस नहीं, यहां अटैक किया यहां ओ एच बना ये लो यहां ये बॉन्ड बन गया हीट किया ही है तो एच और ओ एच निकल गए तो डबल बॉन्ड बना तो हीट करने से एच टू का मॉलिक्यूल निकला और यहां डबल बॉन्ड बना ये बनेगा ठीक है इस केस में तो डायरेक्ट हीट ही किया हुआ है तो मैं अब देखो डायरेक्ट ही बनाऊंगा डायरेक्ट ही बनाऊंगा ऐसे तो ये लो सुनो ये वही है ना साइक्लोहेक्सेनोन के दो मॉलिक्यूल एल्फा पोजीशन के दो एच निकालने हैं और इसका ऑक्सीजन निकालना है इनके बीच में डबल बॉन्ड बनाना है ये लो जो ये लीजिए ये कंपाउंड बनेगा थोड़ा डबल बॉन्ड बड़ा बन गया लेकिन यही कंपाउंड बनेगा ठीक है इस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाना है बनाओ उसे <coughs> बनाओ उसके दो चीजें एग्जाम्पल और देता हूं मैं <coughs> एग्जाम्पल नंबर सिक्स क्वेश्चन को करो जरूर जरूर करो इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार तो प्रोडक्ट बना के रिएक्टेंट पूछ ले जाते हैं कराऊंगा मैं दो तीन क्वेश्चन ऐसे भी एग्जाम्पल नंबर सिक्स देखिए एसिटो कीटोन्स में वैसे एल्डोल कंडेंसेशन कम ही यूज़ किया जाता है फिर भी पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा ये रहा एसीटोन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी आएगी इसमें और ऐसीटोन की रिएक्शन एनोएच के प्रेजेंस में जब हीट किया जाए तो क्या बनेगा एनोएच के प्रेजेंस में हीट किया जाए तो ये रहा सी एच थ्री सी एच नहीं नहीं इसको अलग तरीके से बनाऊंगा ये रहा कीटोन ध्यान से सुनो ये रहा एसीटोन ये रहा दूसरा एसीटोन और बेसिक मीडियम में से हीट कर दिया तो एल्फा पोजीशन के दो एच और ऑक्सीजन निकलेगा और दो एच यहाँ से निकल गए ऑक्सीजन वहाँ से निकल गया डबल बॉन्ड यहाँ बन गया प्रोडक्ट का नेम है मैसीटाइल ऑक्साइड मैसीटाइल ऑक्साइड नेम है याद रखने पड़ें एसीटोन के थ्री मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड एच के प्रेजेंस में कराने पर इस तरफ का एल्फा एच भी रिएक्शन करता है जैसे मैं बना के दिखाता हूं सुनो ये अभी अभी बनाया ना मैसिटाइल ऑक्साइड और यहां इस पोजीशन का एच निकल गया था दो एच ऐसे इस साइड भी रिएक्शन होती है और ये कंपाउंड बनता है इसे कहा जाता है फोरोन कॉमन नेम है इसका फोरोन अगर एसीटोन की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एसओ फोर के प्रेजेंस में हीट किया जाए तो मैसेटाइलिन बनता है मैसेटाइलिन ये है मैसिटाइलिन ऑल्टरनेट पोजिशन पर मिथाइल है क्या नेम बताया मैंने मैसीटाइलिन ये बनता है अब ये कैसे बना होगा यह ऐसे बना होगा कि एसीटोन के तीन मॉलिक्यूल आए ना देखो कैसे आए ये रहा सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच ये डबल हो एसीटोन ये सी एच थ्री यहाँ सी एच थ्री ये एसीटोन ये सी एच थ्री और यहाँ सी एच थ्री एसिटोन के थ्री मॉलिक्यूल लिख दिए मैंने हुआ क्या अल्फा पोजीशन के दो एच और ये ऑक्सीजन यहाँ से एच टू के फॉर्म में निकला डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में ना यहाँ के दो एच और ऑक्सीजन निकला डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में ना ऐसे ही डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बना और कुल मिला के ये वाला स्ट्रक्चर बन गया थ्री एच टू के मॉलिक्यूल निकले हैं ये तो तुम्हें तरीका समझाया कैसे हुआ है इसमें थ्री एच टू के मॉलिक्यूल निकले हैं और प्रोडक्ट बना है मैसिटाइलिन इसीलिए बोल रहा था लर्न करने की रिएक्शन है याद ही रखनी पड़ेगी डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है H2SO4 टू एस ओ फोर से मैसिटाइलिन पूछा गया है ये एक दो बार पूछा गया है अपने एडवांस के एग्ज़ाम में भी आ चुका है चलो बनाओ और एग्ज़ाम्पल लेता हूँ इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी होती है इसमें करो यहाँ तक करो जल्दी से लिखो मिटा रहा हूँ मैं तो देखो जल्दी से मिटा देता हूं एग्जाम्पल नंबर सेवंथ लेते हैं <coughs> ये तो एक ही तरह के एल्डिहाइड के आपस में रिएक्शन हो गई अगर डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड्स या की की रिएक्शन हो तो उसे हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे <coughs> <coughs> तो एग्जाम्पल नंबर सेवेंथ जो है वो एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां से क्रॉस्ड एलडॉल कंडेंसेशन इसका मतलब क्या है एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन डिफरेंट एल्डिहाइड की एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड अलग अलग कार्बोनाइल कंपाउंड्स हों तो उनमें एल्डोल कंडेंसेशन, देखना जरा एग्जाम्पल नंबर सेवन इसमें मैंने ये एसिड एल लिया और ये प्रोपेन एल लिया और इसमें बेस डाल के हीट किया हीट भी कर दिया डबल बॉन्ड बनेगा तो इसके अल्फा एच निकल के यहां सी डबल बॉन्ड ओ रिएक्शन करें या इसके अल्फा निकल के इस पे करें। दो -क्रॉस की हो गई। इसमें इसका मॉलिक्यूल ऐसे कैसे मॉलिक्यूल पे करें और ये थ्री कार्बनआईड के मॉलिक्यूल ऐसे कैसे थ्री कार्बन वाले तो सेल्फ रिएक्शन -E हो गए बनाता हूं देखो मैं सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड ओ ये तो देखो दोनों एक जैसा मॉलिक्यूल है है ना सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री और यहाँ सी एच ओ ये भी दो मॉलिक्यूल सेम है और सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड ओ और ये रहा सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड ओ ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है एक और लिख देता हूँ सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड ओ यह अलग अलग तरीके से लिखे हैं क्यों लिखे ना देखो दो दो कार्बन वाला तीन तीन कार्बन वाला एल डी एच दो और तीन वाला तीन और दो वाला यहाँ से अल्फ़ा एच निकले और इसके साथ निकल जाए तो दो एच यहाँ के निकले और एक ऑक्सीजन यहाँ का निकले तो डबल बॉन्ड बन सकता है ना इन दोनों के बीच में ऐसे यहाँ भी अल्फा पोजीशन के दो एच निकले ऑक्सीजन निकला डबल बॉन्ड बन सकता है ऐसा यहां भी हो सकता था आप देखो सेम नहीं बनाया मैंने अलग अलग ही बनाया डिफरेंट है है ना और यहां के अल्फा एच के दो एच निकले और ऑक्सीजन यहां से निकला तो डबल बॉन्ड यहां बन जाए बन सकता है ये फोर पॉसिबिलिटीज हैं और वो ये चारों तरह के प्रोडक्ट बनते हैं और हर प्रोडक्ट का जो मेट्रिकल बनेगा ये तो दोनों प्रोडक्ट सेल्फ रिएक्शन के हैं दो दो कार्बन वाला तीन तीन कार्बन वाला है ना तो सेल्फ प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं शॉर्ट में सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ रिएक्शन है ना या सेल्फ प्रोडक्ट शॉर्ट में कर रहा हूं और ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट्स ज्यादा बनते हैं मेजर यही होंगे इनमें भी अगर पूछा जाए कि कौन सा ज़्यादा मेजर होगा तो ये वाला होगा क्यों क्योंकि यहाँ का अल्फा एच इस एल डी पर रिएक्शन कर रहा है यहाँ नेगेटिव चार्ज बना था और छोटे एल डी पर रिएक्शन आसानी से होती है याद है एडिशन रिएक्शन लेसर क्राउडेड पर आसानी से होती है तो ये छोटा वाला एल है इस पर न्यूक्लिफाइल इजिली अटैक कर सकता है तो क्रॉस वाले प्रोडक्ट वहां हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में भी कौन सा जिस पर लेसर क्राउडेड एल पर रिएक्शन हो रही है वो प्रोडक्ट मेजर होता है तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर होता है बनाओ इसको फटाफट जल्दी से बना दीजिए और एग्जाम्पल लेता हूं मैं ये सारे प्रोडक्ट बनेंगे फोर प्रोडक्ट्स एट प्रोडक्ट्स बोलना चाहिए मिटा दो एग्जाम्पल नंबर एट। एग्जाम्पल नंबर एट। देखो ये है एरोमेटिक एल्डिहाइड और ये है एलिफेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेशन करें वही है एल्डोल कंडेंसेशन। तो इस रिएक्शन का नेम होता है क्लेजन स्मिथ रिएक्शन है ना और इसे तो हीट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती कई बार लिखा होगा हीट भी नहीं लिखा होगा तब भी आप यहाँ का दोनों के बीच में डबल वन माँ देना वहां डबल बॉन्ड इजीली बन जाता है ये तो लिख देता हूं वैसे प्रैक्टिकली कई बार लिखते यूज नहीं करना पड़ता कर कि बिना ही रूम टेम्परेचर पे डबल बॉन्ड भी निकल जाते हैं एक तरफ एलिफेटिक हो एक तरफ एरोमेटिक हो तब की बात है है ना तो नियम क्या बता रहा था मैं एलिफेटिक और एरोमेटिक की क्रॉस एंड कंडेंसेशन को क्लेजन स्मिट कंडेंसेशन या क्लेजन स्मिट रिएक्शन कहते हैं क्लेजन स्मिट रिएक्शन क्लेजन स्मिथ स्मिथ क्या है स्पेलिंग थे क्लेजन स्मिट क्लेजन स्मिथ रिएक्शन किसकी होती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड्स तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सी एच CH डबल बॉन्ड CH एच ये बन गया भाई तो यहाँ का तो ऑक्सीजन निकल गया यहाँ के दो H निकल गए इस सिनेमिक एसिड याद है ना PH C डबल बॉन्ड ओ और फिर यहाँ COH ओ तो सिनेमिक एसिड था ये सिनेमेल्डिहाइड है सिनेमेल्डिहाइड मेल्डिहाइड सिनेमेल्डिहाइड सिसो ट्रांस दोनों प्रोडक्ट बनेंगे और जो नॉर्मल सेल्फ रिएक्शन का प्रोडक्ट था ना इसके भी तो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ सकते हैं तो ये सेल्फ रिएक्शन का प्रोडक्ट है इस तरह से बनेंगे मतलब इसका भी अल्फा एच निकले तो सेल्फ रिएक्शन का हो गया और एल्डिहाइड पे रिएक्शन किया तो ये हो गया ठीक है रिएक्शन तो और भी बना सकता हूं बैठा बैठा बनाते रहूंगा ये लो इस पे करो एसीटोन से करा दो बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा दो बन जाएंगे बनाओ रिएक्शन नंबर नाइन्थ सी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच ये बन गया और, और मैसेटाइल ऑक्साइड ये बन सकता है और रिएक्शन यहीं रुकती नहीं है डिपेंड करता है आप कि प्रेशर कर कितने प्रेशर पे रिएक्शन कर रहे हो कितने प्रेशर पे? क्योंकि एल्फाएच तो और भी बचते हैं वो भी फिर रिएक्शन कर सकते हैं आगे आगे अभी फोरवन में बताया था तो डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन करने से रिएक्शन का पॉलीमराइजेशन भी हो जाता है बार बार आगे आग से आगे रिएक्शन भी हो जाती है बनाओ यहाँ तक तो अब मैं लेता हूँ इंट्रा मालिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन के एग्जाम्पल इसमें एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन होगी क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में दो एल दो एल या दो कीटोनिक ग्रुप होंगे ठीक है कर लो इसे मिटा रहा हूँ मिडा रहा हूं तो रुकूंगा नहीं मैं <coughs> <coughs> यहां डाले पॉइंट इंट्रा मॉलिकुलर एंडलॉल कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन एग्जाम्पल नंबर टेन आएगा ये देखो सुन लो ये रहा कीटोन <coughs> ये रहा दूसरा कीटोन है ना अल्फाइच है इसके पास में अल्फा एच यहां से एच निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा इस जगह से एच निकला नेगेटिव चार्ज बना इसने यहां अटैक किया वो माइनस बनेगा इस जगह है ना तो बताओ क्या बनना चाहिए यहां, यहां से अल्फा एच निकला था इस जगह किया और यहां ओ एच बन गया ये प्रोडक्ट बनना चाहिए ये प्रोडक्ट बनेगा हीट किया तो कौन सा एच निकलेगा फिर तो इस जगह का एच निकलेगा एच और वो एच निकलेगा जिससे डबल बॉन्ड बने कॉन्जुगेशन में बनता है हीट कर दिया तो ये बना कंपाउंड बन गया ठीक है अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कार्बन चेन को छोटा बड़ा कर सकता हूँ कार्बन चेन को छोटा बड़ा करके लिख देंगे क्या हो गया तो लो लेता हूं देखो एग्जाम्पल नंबर एलेवन एलेवंथ में ये रहा सी एच ओ अब मैं इस तरह से नहीं लिखूँगा जैसे मैंने वहाँ लिखा था मैं अलग तरीके से लिखूँगा देखो ये डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड खुद बनाओ बेसिक मीडियम में हीट करो बनाओ डायरेक्ट बनाओ दोनों एड ले लिए बनाओ सोचो जल्दी से खुद सोचो खुद बनाओ ऐसे रिएक्शंस बहुत सी आती हैं कई बार आती हैं कई बार पूछी गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं। अगर बहुत आप अगर मतलब आपको अगर, अगर आती है रिएक्शंस, तो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और ये मान लो नंबर तुम्हारे हाथों तो में ऐसे आ जाएंगे बिल्कुल करो अच्छा देखो ये एक एक ऑप्शन था एक ऑप्शन ये भी था कि यहां से अल्फा एच निकाला और यहां अटैक करवा दिया अल्फा पोजीशन का ये यह बन गया यहां से अल्फा एच निकलता और सी माइनस बनता और यहां इस कार्बन पे रिएक्शन करता तब क्या होता तब भी वही प्रोडक्ट बनता सिमेट्रिकल है वही बिल्कुल दोनों तरफ से वैसे ही कीटोन है कहीं भी हो सकता है इसमें भी सिमेट्रिकल है यहां से एच निकले यहां अटैक करें है ना अच्छा इसमें एक और पॉसिबिलिटी थी वो मैंने बनाई नहीं यहाँ से अल्फा एच निकाल दें और यहाँ अटैक करें तो कितने मेंबर रिंग बनी फाइव मेंबर रिंग वन टू थ्री फोर फाइव लेकिन यहाँ से अल्फा एच निकाल के यहाँ अटैक करा दे तो थ्री मेंबर रिंग बनेगी वन टू थ्री तो फाइव मेंबर रिंग ज़्यादा इजीली बन सकती है कि थ्री मेंबर रिंग ज़्यादा इजीली बन सकती है ऑब्वियसली फाइव मेंबर रिंग क्योंकि फाइव मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है भाई थ्री मेंबर रिंग से यहाँ रिंग फॉर्मेशन की पॉसिबल देखेंगे हम लोगों में बताता हूँ अभी एक एग्जाम्पल लूंगा ऐसा तो कुल मिला के होगा क्या यहाँ से अल्फा एच निकलेगा और यहाँ अटैक करेगा और इसे ओ माइनस बनाएगा फिर ओ माइनस एच प्लस को अब्जॉर्व कर लेगा तो फाइव मेंबर रिंग बनेगी वन टू थ्री फोर फाइव तो लो फाइव मेंबर रिंग बन गई ये रहा वो कीटोन ये रहा ये सी एच टू और इस सी एच टू का बॉन्ड इस कार्बन से जहाँ मिथाइल भी है और ओ एच नहीं ऐसे था ना ऐसे ही तो था यहाँ का H निकला और यहाँ अटैक किया और ये O माइनस से फिर OH बन गया हीट करोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा इस जगह से H और OH निकलने से यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा ये बन गया, यह गया।, यह गया। यहाँ OH और यहाँ की ऐसे यहाँ करो यहाँ से एल्फा एच निकाला या फिर यहाँ से एल्फा एच निकालो एक ही बात है यहाँ से अल्फा एच निकाला यहाँ बन गया और हीट कर दिया मैंने साथ में ही तो क्या होगा यहाँ के दो एच निकले यहाँ का ऑक्सीजन निकला डबल बॉन्ड बनेगा इस जगह इस कार्बन कार्बन के बीच में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मेंबर रिंग बनी इस रिएक्शन से सिक्स मेंबर रिंग भी बन जाती है थ्री तो खैर नहीं बनती फोर मेंबर रिंग भी बन जाती है सेवन मेंबर रिंग भी बन जाए बनाना बनाना चाहे तो तो, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है इस तरह से रिएक्शन होगी ठीक है और देता हूँ एग्जाम्पल इन्हें लिखो जल्दी से लिखो और फटाफट फटाफट फटा 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 ये और लेते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्टीन एग्जाम्पल नंबर थर्टीन ये रहा कीटोन और ये ये रहा लिया। ये भी कीट होनी है। और इसे हीट किया बेसिक मीडियम सुनना जरा, यहां से अल्फा एच निकालो और यहां अटैक करो सिमेट्रिकल है कोई से भी निकाल सकते हो यहां से यहां अटैक किया तो कितने में मार्टिंग बनी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है यहां से अल्फा एच निकला और नेगेटिव चार्ज बना इस जगह का भी तो एच एसिडिक है, 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 है। एल्फा एच तो निकालते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज है यहाँ अटैक किया One, two, three, four, तो फाइव मेंबर रिंग बनी वन टू थ्री फोर फाइव तो वही फाइव मेंबर रिंग और सेवन मेंबर रिंग में से फाइव मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है समझ गए अगर कहीं कंपैरिजन करना पड़े भाई थ्री मेंबर रिंग बनानी है या फाइव मेंबर रिंग बनानी है तो फाइव मेंबर रिंग बनाना क्योंकि थ्री मेंबर रिंग से फाइव मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है फाइव और सेवन में फाइव मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है ये लॉल में रिंग फॉर्मेशन की टेंडेंसी का ऑर्डर है अगर फोर मेंबर और सिक्स मेंबर में लड़ाई हो जाए कि मैं बनूँ कि मैं बनूँ तो सेवन सिक्स मेम्बर रिंग बनेगी और सिक्स और एट मेंबर रिंग में लड़ाई हो तो सिक्स मेंबर रिंग बनेगी ये रिंग फॉर्मेशन की टेंडेंसी का ऑर्डर है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए तो आप क्या करेंगे हम फाइव मेंबर रिंग बनाएंगे सिक्स मेंबर रिंग नहीं बनाएंगे खुद बनाओगे अब तुम <coughs> बना दोगे या मैं बनाऊँ मैं बनाता हूँ यहाँ से H निकला यहाँ अटैक किया ये O माइनस बना तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुल मिला के यहाँ के दो H निकले और यहाँ का ऑक्सीजन निकला क्योंकि हीट भी मैंने एक साथ ही कर दिया है तो फाइव मेंबर रिंग बनेगी कुछ इस तरह की यहाँ डबल बॉन्ड बना इन दोनों के बीच में इस जगह मीथाइल भी है ये लो मीथाइल यहाँ लगा दिया ये वाला मीथाइल इस कार्बन पे फिर ये सी एच टू ये वाला फिर ये सी एच टू ये वाला फिर ये सी एच टू ये वाला फिर ये कार्बन ये वाला फिर इससे कीटोन जुड़ा हुआ है ऐसा वाला हाँ और लेते हैं यहाँ डबल बॉन्ड कीटोन है और यहाँ एल्डिहाइड है इस बार यहां एल है बेसिक मीडियम में रिएक्शन किया क्या प्रोबेबिलिटी ज्यादा है यहां तो सिमेट्रिकल था इस तरफ भी कीटोन यहां भी कीटोन बट इस केस में इस तरफ कीटोन है इस तरफ एल है यहां से एच निकले यहां अटैक करे सेवन मेंबर रिंग बनेगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहां से एच निकले नेगेटिव चार्ज बने और यहाँ अटैक करे फाइव मेंबर रिंग बनेगी ठीक है यहां से एच निकला और नेगेटिव चार्ज बने यहां भी तो अटैक हो सकता है ये डिफरेंट पॉसिबिलिटी है ये भी फाइव बनेगी तो फाइव रिंग की दो पॉसिबिलिटीज हो गई यहां से अटैक हो और एल डी हेड पर रिएक्शन हो यहां से एच निकले कीटोन पर रिएक्शन हो तो आर डी एस में एल डी हेड पर रिएक्शन आसान रहेगा कि कीटोन पर ऑब्वियसली एल डी हेड पर क्योंकि एल डी हेड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो यहां से एच निकलेगा और यहाँ अटैक होगा और फाइव मेंबर रिंग बनेगी कुछ इस तरह से यह फाइव बनेगी और इसका वन का बाउंड इससे होगा और यहाँ तो ऐसे टोंग ये रहेगा ये इस तरह का कीटोनिक ग्रुप समझ गए मेजर पॉसिबिलिटी की बात की है मेजर प्रोडक्ट ही होगा और लेता हूँ एग्ज़ाम्पल करो इसको जल्दी से लिख लो मिटा देता हूँ मैं फिफ्टीन एग्जाम्पल लेता हूँ फिफ्टींथ एग्जाम्पल ये देखो इसमें बेज डालो हीट करो क्या प्रोडक्ट बनेगा सोच समझ के करो इस एग्जाम्पल को वीडियो पॉज करके करो जरूर करो बनाओ उसका प्रोडक्ट क्या होगा बनाओ बनाओ जल्दी से वीडियो पॉज कर लो मैं भी पानी पी आता हूं <coughs> 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 कर लिया होगा तो, तो मैं करूँ यहाँ से एल्फा एच दोनों निकल गए इस ऑक्सीजन के साथ तो इस कार्बन इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना ये बनना चाहिए यहाँ कीटोन है है ना मतलब एरोमेटिक करेंगे तो और यहाँ कीटोन रह गया इस जगह के दो एच और ऑक्सीजन निकल गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनता इसमें क्यों नहीं बनता क्योंकि तो इसमें टोटोमेरिज्म हो सकती है पैरा टोटोमेरिज्म याद करो टॉटोमेरिजन हो सकती है इसमें और इसका कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल नहीं है इसका इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका इनॉल फॉर्म एरोमेटिक है देखो क्या बना ये इनॉल फॉर्म बना मतलब जो फिनॉल है नेफ्थॉल बना नेफ्थॉल नेफ्थॉल फॉर्मेशन होता है इस केस में यहां से दो एच निकले यहां का ऑक्सीजन निकला एल्फा पोजिशन से डबल बॉन्ड बन गए इन दोनों के बीच में यहाँ नेफ्थॉल फॉर्मेशन होगा देखो कैसे ये बना ये कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल नहीं है इसमें टॉटोमेरिज़ होगा तो ये अपने इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा और इसका इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है इसीलिए मैं बना रहा हूं इसे तो हमें क्या करना है सबको इनवॉल्व फॉर्म बनाना है क्या बिल्कुल बनाओ अगर ज्यादा स्टेबल इनवॉल्व फॉर्म बन रहे थे ऐसा बनाओ क्या हो गया बनाओ जल्दी से इसे कंप्लीट करो मिटा रहा हूं मैं 17 रि एक्शन लेता एग्जाम्पल ज्यादा लूंगा पहले ही कहा था मैंने एग्जाम्पल नंबर सेवनटीन क्वेश्चन के फॉर्म में देता हूँ चलो ये कंपाउंड है है ना और क्या करें इसमें ये एरोमेटिक रिंग है यहाँ डबल बॉन्ड है इसमें ये तो मैंने दे दिया तुम्हें हाँ ये वाला दिया था इसमें ओजोनोलाइसिस किया ओजोनोलाइसिस किया रिडक्टिवोलाइस जिंक वेंक डाल दिया है जो के पे में है ना जो कंपाउंड बना उसमें बेस डाल के हीट किया फ़ाइनल प्रोडक्ट बनाओ डायरेक्ट क्या बनेगा डायरेक्ट तो खैर कैसे बनाओगे बनाना तो पड़ेगा ही तुम्हें तो बनाओ कैसे बनता है देखें क्या प्रोडक्ट बनता है एग्जाम्पल तो मैंने अभी कुछ देर पहले दिया था इसका करो जल्दी से सॉल्व करना जरूरी है करो ओजोन हुआ रिडक्टिव ओजोन हुआ सेकंड स्टेप में जिंक डाल दिया एरोमेटिक का हाई टेम्परेचर पे होता है लेकिन ये वाला बॉन्ड तो टूट सकता है इस बॉन्ड का ओजोन हुआ तो यहां बन गया एल और यहां बन गया कीटोन ये लो ये बना इसको यूं भी बना सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसको यूं भी तो बना सकते हैं सी एच ओ बोलो वही है अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें बहुत इजी है यहाँ से दो एच निकले यहाँ का ऑक्सीजन निकला डबल बॉन्ड बना इस जगह और टॉटोमेराइजेशन से मैं तो बीटा नेफ्थोल बना रहा हूँ इसमें खुद सोच सांझ के आंसर बनाओ ये लो मेरा आंसर तो ये है बीटा एन सही है करो इसे भी करो और लेता हूँ एक और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा, बड़ा क्वेश्चन है लिखिए कंप्लीट कीजिए चलो एक क्वेश्चन लिखो एटीन नहीं है क्वेश्चन है रिएक्शन से रिलेटेड एक कंपाउंड है ये वाला यहां ब्रोमीन है यहां है और इसमें डाल दिया सोडियम प्लस ईथर ईथर है ना कंपाउंड बना ए इस कंपाउंड ए में फिर ब्रोमिनेशन किया सनलाइट के प्रेजेंस में मोनोब्रोमिनेशन मोनोब्रोमिनेशन ठीक है कंपाउंड बी बना कंपाउंड बी में फिर हम लोगों ने एन एन एच टू डाला और हीट किया एन एन एच टू डाल के हीट किया कुछ कंपाउंड बना कंपाउंड सी बना ये बन गया कंपाउंड सी अब इस कंपाउंड सी का किया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्शन। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इससे लेते हैं क्या? मिनट सोच लो मैं भी ठीक है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ इसका रिडक्शन किया और सेकंड स्टेप में सोडियम बाई सल्फाइड डाल दिया ये वही रिएक्शन पढ़ा रहा हूं मैं जो पहले पुरानी पढ़ाई हुई है ये कंपाउंड बना डी बना इस कंपाउंड डी में फिर मैंने डाल दिया एच आई ओ फोर तो कंपाउंड ई बना है ना ठीक है अब इसमें मैंने बेस डाल के हीट किया जिससे कि इंट्रामॉरिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हुई और कंपाउंड एफ बना इस कंपाउंड एफ में मैंने ओजोन डाल दिया और फिर जिंक अमलगम मतलब जिंक और एच टू डाल दिया रक्टिव ओजोनलाइसिस किया जी बना कंपाउंड जी अब कंपाउंड जी बन गया ना और कंपाउंड जी को फिर बेस डाल के हीट किया कुछ गड़बड़ हुई है यार ये किया ऑसिनऑक्साइड से रिएक्शन किया ये किया फिर बेस डाल दिए फिर बेस डालने के बाद ओजोनलाइसिस करने से पहले ये बात गड़बड़ जाती है वो मैं तो दिमाग में ही करता हूँ सारे एग्जांपल्स फिर मैंने इसमें हाइड्राजीन प्लस के डाल दिया जी बना है ना अब मैंने इसका ओजोनलाइसिस करवाया इसका जिंक की प्रेजेंस में ओजोनलाइज़ किया एच बना अब फिर मैंने इसका बेस डाल दिया इसमें बेस डाल दिया और हीट कर दिया फिर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आई बना और आई के बाद में जब मैंने इसमें हाइड्राजीन डाला वापस सी बन गया तो हाइड्राजीन और बेस डालने से रिएक्शन किया है ना और वही कंपाउंड सी बन गया तो बताओ ए बी सी डी क्या चीज़ें मेरी कोशिश तो ये है कि बिल्कुल सही रहे अब तुम बनाओगे मैं आपको दो मिनट का टाइम देता हूँ तुम करो इसे वरना तो मुझे तो कर नहीं है मैं करूंगा अभी <coughs> कर दू अब तो कर ही देते हैं अब नहीं रुकेंगे हाँ तो तुमने सॉल्व कर लिया हो तो फिर इसको सॉल्यूशन को देखो नहीं सॉल्व किया है तो आगे बढ़ जाओ मतलब आपको करना तो है ही सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखोगे हाँ ये कंपाउंड क्या बना ये है ईथर कौन सी से वुड्स रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन वुड्स रिएक्शन में आर और आर आपस में जुड़ जाएंगे ये कार्बन और ये कार्बन आपस में जुड़ जाएगा तो इस तरह का कंपाउंड बनेगा ये कंपाउंड ए है मोनोब्रोमिनेशन किया सनलाइट के प्रेजेंस में तो अब मेजर प्रोडक्ट की बात करूंगा मैं ऐसा सुनना माइनर प्रोडक्ट की बात करने लगूंगा ब्रोमिनेशन में टर्स्री कार्बन पे रिएक्शन की पॉसिबिलिटी 1600 टाइम ज़्यादा होती है तो यहाँ ब्रोमिनेशन हुआ मेजर प्रोडक्ट की बात करूंगा मैंने बोला तो बोला नहीं होना ही चाहिए यार मेजर माइनर दो बन रहे तो मेजर हम फिर एन एन फिर टू के साथ हीट किया हीट करोगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी ई टू एलिमिनेशन तो यहीं से एच बी आर निकलेगा ए टू एलिमिनेशन में, में मेजर प्रोडक्ट बनाना था तो मेजर प्रोडक्ट ये वाला बन गया आ? यार कुछ गलत ना हो जाए देखेंगे जा आगे फिर ओजोनलाइसिस किया तो ओजोलाइसिस से ये वाला बॉन्ड टूटा और कीटोन बना कुछ इस तरह का दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को कीटोन बना ये रहा कीटोन देखता हूं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा हाँ दिखाई तो दे रहा है ये कीटोन बना ना ना कीटोन कैसे बनेगा यार ना किया है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से रिएक्शन किया है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से तो क्या होता है हाइड्रोक्सिलेशन होता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा हाइड्रोक्सिलेशन में ये वाला ओ एच ओ एच आ गया सिन वाला प्रोडक्ट में आ दिया एच आई ओ फोर क्या करता है विसिनल डाई ऑल को रिएक्शन करके डिसोशिएट करके यहां भी कीटोन और यहां भी कीटोन बना देगा यहाँ कुछ इस तरह का बन जाएगा कीटोन और कीटोन फिर फिर अब ये बेस डाल के हीट किया तो एल्डोल कंडेंसेशन है दो कीटोन है तो यहां से अल्फा एच निकला और यहाँ रिएक्शन किया ओ माइनस बना या फिर ऐसा मानो कि यहाँ के दो एच निकले और यहाँ का ऑक्सीजन निकला डबल वन बना ये तो बनेगी फाइव मेंबर रिंग वन टू थ्री फोर फाइव और इस तरफ बनेगी सेवन मेंबर रिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है ना तो यहाँ लिख सकते हैं आप ये एल्डॉल कंडेंसेशन इंट्रामोलिकुलर एल्डॉल कंडेंसेशन एल्डॉल कंडेंसेशन से एक तो बनी सेवन मेंबर रिंग और एक फाइव मेंबर रिंग और यहाँ ये यह रह गया ये रह गया यहाँ से एक्शन किया डबल बॉन्ड ये बना ठीक है ऐसा मानो फिर हाइड्रोजीन से के की बेंस में वोल्फ कृष्णर रिडक्शन वोल्फ कृष्णर ठीक है, बोल क्वेश्चन रिडक्शन से कीटोन का काम तमाम एल्कीन बची रह गई अब ओजोनोलाइसिस किया तो ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां कीटोन यहां कीटोन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहां कीटोन और यहां कीटोन ऐसा बना अब क्या हुआ अगेन एंड लॉल बेस कीटोन कीटोन ही तो है अब ये बताओ कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज बने और यहाँ अटैक करे तो एक तो बनेगी फोर मेंबर रिंग और एक बनेगी एट मेंबर रिंग एक तो पॉसिबिलिटी है या फिर यहाँ से नेगेटिव चार्ज बनाकर यहाँ अटैक कराएं तो ये भी सिक्स मेंबर रिंग बन जाएगी और ये भी सिक्स मेंबर रिंग बन जाएगी तो दोनों सिक्स मेंबर रिंग बन जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है ना तो ये यही होगा यहाँ नेगेटिव यहाँ के दो एच निकलेंगे यहाँ का ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ रिएक्शन होगी ये रिंग भी सिक्स मेंबर रिंग हो जाएगी दूसरी रिंग भी सिक्स मेंबर रिंग हो जाएगी में रहा कीटोन रहा क्या रिडक्शन रिडक्शन से कीटोन का काम खत्म ये वाला कंपाउंड बन गया बिल्कुल सही है समझ गए कुछ इस तरह के कुछ एग्जांपल्स दिए जाने चाहिए स्टूडेंट्स को खुदू करने चाहिए मिटा रहा हूं एक क्वेश्चन और दूंगा क्वेश्चन लिखो मैं प्रोडक्ट्स में आ रहा हूं आप एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स में बनाता हूं आप उनके रिएक्टेंट्स लिखो है ना क्वेश्चन यही है गिव सुटेबल स्ट्रक्चर्स ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर फॉलोइंग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस मैं प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बना देता हूँ आप रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर लिख दीजिए मान लीजिए यहां पर कोई कंपाउंड है एल्डिहाइड कीटोन जो भी है मुझे पता नहीं और इसमें बेसिक बेस डाल के इसे हीट किया गया है और क्वेश्चन कह रहा है कि एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट बने हैं और ये प्रोडक्ट बने तो आप इस रिएक्टेंट में यहां जो भी रिएक्टेंट रहे होंगे उनकी स्ट्रक्चर बना के दिखाओ है ना ये तो पहला है दूसरा यहां रिएक्टेंट जो भी रहा उसकी रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बना है बना है जो बना है वो बना है मतलब उसका रिएक्टेंट क्या रहा होगा आपको ये देखना है और कुछ तो करना है ये प्रोडक्ट बना है बताओ रिएक्टेंट क्या रहे होंगे इंट्रा एंड लॉल कंडेंसेशन भी हो सकती है इंटर भी हो सकती है सोच समझ के आंसर दो इनमें जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो कीटोन के की बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड बने हैं बना दो आप तीन क्वेश्चन के तीन मिनट बहुत तीन मिनट जा रहे हैं वन मिनट बहुत है करें देखो बहुत सिंपल है बहुत ही सिंपल है जैसा आप एल्डोल का प्रोडक्ट बनाते थे वैसे ही रिएक्टेंट बना प्रोडक्ट कैसे बनाते थे कि वो बीच का जो ये डबल बॉन्ड है ना ये पहले नहीं था ये बाद में पैदा हुआ है ये लो ये कीटोन की एल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है उस बीटा पोजीशन पे ओ एच रहता था ना यहाँ है यहाँ के दो एच निकले यहाँ ऑक्सीजन निकला बस खत्म है ना ये ऐसा है क्वेश्चन में बोला है कि इससे बनाया तो बना होगा वन ऑफ द प्रोडक्ट है ये और भी हो सकता है प्रोडक्ट बने हो तो यहाँ के दो एच निकले और यहाँ का ऑक्सीजन निकला डबल बॉन्ड बने ये वाला कंपाउंड बन गया इस केस में ये वाला डबल बॉन्ड नहीं था यहाँ सी डबल बॉन्ड होता इस जगह ऐसा कुछ सही रहा होगा यहाँ कीटोन था और यहाँ एल होगा यहाँ से एच निकला और यहाँ अटैक किया यहाँ से एच निकले यहाँ अटैक किया दो एच निकलने से यहाँ डबल बॉन्ड बन गया वही तो ये इसमें ये डबल बॉन्ड नहीं था यहाँ ऑक्सीजन था देखो ये था फिर यहाँ पी एच होगा और यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री यहाँ से एच निकले दो और यहाँ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन गया इस तरह का रिएक्शन है ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से हो सकती है तो ये हो गई एल्डोल कंडेंसेशन अब एलडोल कंडेंसेशन जैसे ही रिएक्शंस आने वाली हैं आगे की सारी कोई नोवंजल रिएक्शन है कोई रीफरमेटस की रिएक्शन है कोई क्लेजन कंडेंसेशन है बनाओ इसको तो बनाओ जल्दी से फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं हम लोग कंप्लीट करो मिटा रहा हूँ इसमें